हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ आपके साथ यास्मीन। बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत हमेशा ही अपने बेबाक बयानों को लेकर सुर्खियों में छाई रहती हैं। पिछले 14 सालों से वो इंडस्ट्री को एंटरटेन करती आ रही हैं। कंगना ने अपनी एक्टिंग के जरिए बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस को टक्कर दी है और फिलहाल वो बॉलीवुड की सबसे बिजी एक्ट्रेसेस में एक है। दरअसल कंगना के पास फिलहाल एक नहीं बल्कि पाँच बड़ी फिल्में हैं। चलिए दिखाते हैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में कंगना की अपकमिंग फिल्मों की लिस्ट। जजमेंटल है क्या? कंगना रनौत जल्द ही राजकुमार राव के साथ फिल्म जजमेंटल है क्या में नजर आने वाली हैं। इस फिल्म में इन दोनों ही स्टार्स का रोल बेहद ही चैलेंजिंग है। बता दें कि फिल्म के टाइटल को लेकर काफी दिनों से विवाद चल रहा था, हालांकि अब सब कुछ ठीक हो गया है। प्रकाश कोविला मुंडे के डायरेक्शन में बनी ये कॉमेडी ड्रामा फिल्म इस साल 26 जुलाई को थिएटर्स पर रिलीज होगी। पंगा। कंगना रनौत इस फिल्म में पंजाबी सिंगर जस्सी गिल के साथ नजर आने वाली है। ये एक स्पोर्ट ड्रामा फिल्म है जिसमें कंगना एक नेशनल कबड्डी प्लेयर के रोल में नजर आएंगी। अश्वनी अय्यर तिवारी के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म अगले साल 24 जनवरी को रिलीज होगी। थलाइवी। मणिकर्णिका में झांसी की रानी का किरदार निभाने के बाद अब कंगना रनौत जल्द ही जयललिता की बायोपिक थलाइवी में उनका किरदार निभाती नजर आएंगी। इस फिल्म को तमिल, तेलुगु और हिंदी भाषाओं में रिलीज किया जाएगा। साथ ही ये फिल्म साल 2020 में थिएटर्स पर दस्तक देगी। धाकड़। कंगना रनौत की चौथी फिल्म है धाकड़, जिसमें कंगना जबरदस्त एक्शन सीन्स करती नजर आएंगी। फिल्म का डायरेक्शन रजनीश घई करने वाले हैं। ये फिल्म अगले साल दिवाली के मौके पर रिलीज होने वाली है। इमली। इस फिल्म के जरिए कंगना सालों बाद अनुराग बासु के साथ काम करने वाली है। काफी टाइम से ऐसी खबरें आ रही थी कि दीपिका ने कंगना को इस फिल्म से रिप्लेस कर दिया है, हालांकि अभी कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ है। ऐसे में कहा जा रहा है कि कंगना ही अनुराग बासु की इस फिल्म में नजर आएंगी। ये फिल्म अगले साल रिलीज होने वाली है। तो ये है वो फिल्में जिनके चलते कंगना फैंस को एंटरटेन करने वाली है। वैसे आप इन सभी फिल्मों में से कंगना की कौन सी फिल्म को लेकर ज्यादा एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।